एक्चुअली अच्छा लग रहा है बिकॉज जब हम लोग ये मूवी बना रहे थे, शूट कर रहे थे, उस वक्त बिल्कुल भी आइडिया नहीं था किस तरीके के इस तरीके का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा ऑडियंस की तरफ से। एंड सबसे अच्छी बात है कि जो पिक्चर का कॉन्सेप्ट है कि डॉक्टर के ऊपर बेस्ड है, जो भी हमारे रियल इवेंट्स है उसको लेके फिल्म किया गया है, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये पिक्चर सीधे सीधे मतलब कनेक्ट कर रहा है। तो इस बात की बहुत खुशी होती है कि हम लोगों ने एक ऐसा मूवी बनाया है जो लोगों को एक तरीके का मैसेज दे रहा है कि आप भी आइए और इस तरीके से आप भी अपनी लाइफ में आगे आके काम करिए। एंड मैं एक्चुअली मैं और देवी थैंक्स देना चाहते हैं डॉक्टर ओमकार होता, बिकॉज ही इज़ द इंस्पिरेशंस, बिकॉज जो उन्होंने काम किया है एक्चुअली वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको फिल्म में देखने को मिल रही है। उसके अलावा इस पिक्चर में ऐसे बहुत से रियल हीरोज़ हैं जिन्होंने काम किया, बिकॉज हम फिल्म में बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। LLIN का डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ पे आंगनवाड़ी हैं, आशा है, और भी बहुत सारे मेडिकल के जितने भी हमारे स्टाफ होते हैं उन्होंने जिस तरीके से काम किया है, तो कहीं ना कहीं वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है कि उड़ीसा के मलकानगिरी जगह में रूट लेवल पे किस तरीके से लोग मेहनत कर रहे हैं और किस तरीके से बदलाव ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऑनेस्टी से जो काम हम लोगों ने किया था, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ऑडियंस को वो पसंद आ रहा है। और अभी उड़ीसा के बाहर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, हैदराबाद, मुंबई, सूरत, पुणे, बेंगलोर, काफ़ी जगह हम लोगों ने इस फिल्म को रिलीज़ किया है। एंड बहुत जल्दी हिंदी में इसको डब करके भी हम लोग डालने वाले हैं, बिकॉज इतना डिमांड आ रहा है कि नाउ वी आर इन टू द रस कि जल्दी से जल्दी हम लोग इस मूवी को आगे तक लेके जाएं। नहीं, हमें तो गोटे जिनस कह कि हमें जो सब्जेक्ट लाइन उपर आरंभ चूज करूँ तो आम गोटे थिला कि नहीं लोक मैंने पसंद करेंगे न्यू टाइप स्टोरी बोली। आउ सबू ओडिशावासी को धन्यवाद देवी, केवल ओडिशारे नुहे काली आम ऑल इंडिया रिलीज करूँ, आउ से बहुत खुशी अच्छा यही टाइप स्टोरी जो थे कि ओडिशा रा जो रिफ्लेक्शन रोची कल्चराल आउ मटीर स्टोरी जो आम कौ से बहुत भाव में पसंद आउ आम चेस्टा रही टाइप फिल्म आग को आनी एमती एंटरटेन करने ये जो आम जो दी वर्षर देवी मु विशाल जो तीन जन जाक बस जो मैंने कन्विक्शन टाइम गोटे ट्रायल एंड एरर हिसाब से करूँ आम आमको रिजल्ट मिल जाइए लोक मानक भल पाइबा थ्रु रे मिल जाइए। तो आम बहुत कन्विन्स कि जदि तक भल कंटेंट दि जाए तो से निश्चिंत आसवे। आईटा हूँ गोटे मध्यम ओडिशार भाषा को वर्ल्ड स्टेज केमती पहुँचवार सब बहुत बहुत बड़ माध्यम आईटा चेस्टा आम सब नहीं। इससे पहले इतनी अच्छी मूवी मैंने नहीं देखी और ये जो मूवी बनाई गई है ये डॉक्टर के वास्तविक जो उसका कार है, डॉक्टर का जो वास्तविक कार है ना उसको इसमें मैग्नीफाइड किया गया, बहुत ही अच्छा चित्रण किया गया है। खासकर डॉक्टर और जो वर्किंग स्टाफ है उनके कार के बारे में इतना अच्छा चित्रण किया गया है कि मूवी बहुत अच्छी बन गई है। धन्यवाद देवी मूवी रो डायरेक्टर्स मनों को, देवी भाई, विशाल भाई, प्रोड्यूसर दीप भाई, आउ स्पेशल धन्यवाद देवी बाबू भाई को, से ही मते कही थी कि आर गोटे प्रोजेक्ट अच्छी आम एम सहित देखाई थी। एंड यही प्रोजेक्ट उपर काम करवाटा बहुत ही एक निरा अनुभूति थिला कहबी, कहीं ना गोटे ऑफबीट सब्जेक्ट थिला कहबी और रियलिस्टिक अप्रोच थिला। एंड यही सिनेमा पई गीत करिबा पई बहुत माने बहुत परिश्रम आम करछो, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स खंड आम परिश्रम करिछु। एंड मु एतिक खुशी होउ जकी एते इंटेलेक्चुअल लिरिक्स भी बहुत टी इंटेलेक्चुअल लेवल रो अछि, आउ कंपोजिशन भी आम चेष्टा करछु टी अलगा करिया पई, तो सीटा सब ऑडियंस मान द्वारा आदृत हो लोक माने पसंद करछन सेति पई खुशी लागु छि। मु भी बहुत खुशी, एते बढ़िया रिस्पॉन्स आशा कर नथिलि। आई एम रियली ऑनर्ड एंड हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, सेति पई धन्यवाद जणे भी आम प्रोड्यूसर आम डायरेक्टर को आम एंटायर टीम को जे मते योग्य भाविले एते बढ़िया एते कष्टिया सब्जेक्ट रे टू बी द लीड। आउ मु धन्यवाद जणे भी सब डॉक्टर्स मानकु आमको इंस्पायर करिया पे एते बढ़िया फिल्म तयारी करिया पे। कष्ट बहुत हेतला मते पर्सनली कहीं मु यूज टू नुहे स्पेशली एमती क्यारेक्टर को, तो बहुत प्रिपेयर करिया पे पड़ता मो डायरेक्टर बहुत हेल्प करते मते विशाल भाई आउ देवी भाई से जगार भी कष्ट सुट करने कहीं कि दुकान फोकान नाला जावा आसाप प्रॉब्लम होता जो धीरे धीरे इनवल्व हैली गोटे मानने
ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ପଳାଇ ଆସିଲା ସେଠିକା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେଠିକା ପାଣି ପବନ ପ୍ରତି, ସେଠିକା ସିନେରୀ, ସେଠିକା ପାହାଡ଼। ଆଇ ଏମ୍ ମିସିଂ ଦୋଜ୍ ପ୍ଲେସ୍। ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଆମ ପାଇଁ ଥିଲା ଓମକାର ସାର୍, ଏତେ ଆମ ହାଇଟେକ୍ରୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ହାଇଟେକ୍ରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇକି ମାନେ କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ଭଳିଆ ଏରିଆ, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମୋଟିଭେସନ୍। ଆଣ୍ଡ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା, ଡକ୍ଟରଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ପୁରା ନିଖୁଣ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ହଁ, ସେ ବାସ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ମୋଟିଭେଟ୍ ଆସିଲା, ଆମେ ବି ଯାଇକି ସେଇଠି କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରିରେ କରିପାରିବୁ। ତ ପୁରା ଆମ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଆମେ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକି ଆଉ କେଉଁଠି କରିବୁ। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ମୁଁ କେବେ ଆସିନି, ହଲ୍କୁ ଆସିନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏବେ ହଲ୍କୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପୁରା ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଏତେ ଉପର ମାନେ ବଢ଼ିଆ କରିଛି, ଏମିତି ଚାଲିଥିବ ପୁରା ବଲିଉଡ଼ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ମୁଭି। ଆଉ ଆସିବେ, ସିଓର ଆସିବେ, ଏମିତି ମୁଭି ହେଲେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଭି ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଆଉ କିଏ ଆସୁନଥିଲେ, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତ ପୁରା ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ମୁଭି କଲେ ଆଠୁ ବହୁତ ଆସିବେ। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ରିଅଲ ମାନେ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଡ୍ୟୁଟିଟା ସେ କରିଛନ୍ତି, କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ନ ହୋଇକି ନିଜେ ସେଇଟା ସେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ବହିକି ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସିନ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଆସେନି, ମୁଁ କେବେ ଦେଖେନି, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା, ଆଉ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଯେହେତୁ ଅଛି ତ ଡକ୍ଟରମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ରିଅଲି ଏଥର ଦେଖେଇଛି, ତ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଫ୍ୟୁଚର ଡକ୍ଟରମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଇନସ୍ପାୟାର ହେବେ, ଅବଭିୟସ୍ଲି ଇନସ୍ପାୟାର ହେବେ, କାହିଁକିନା ଏଠି ରିଅଲ ତାଙ୍କର ୱାର୍କଟା ହିଁ ଦେଖେଇଛି। ଆଇଡ଼ିଆ।